हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी खबर आई भाई साहब, मुंबई इंडियंस के साथ साथ परेशान हो गई बीसीसीआई। जी हाँ, हार्दिक पांड्या को लेकर मैं आप लोगों को बड़ा अपडेट देने वाला हूं। हार्दिक पांड्या को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिस खबर के बाद टीम इंडिया के साथ साथ मुंबई इंडियंस भी परेशान हो गई। मुंबई इंडियंस भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगेगी। मुंबई इंडियंस भी कहेगी कि भाई साहब क्यों हार्दिक पांड्या को ले लिया, क्यों उनके पीछे इतनी रकम खर्च कर दी, क्यों उनके ऊपर दाव लगा दिया, क्यों कैमरून ग्रीन को निकाल दिया। ये मुंबई इंडियंस भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो वहीं टीम इंडिया ने भी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट को खोजना शुरू कर दिया है। धोनी के चेले को मौका मिलने वाला है, धोनी के पसंदीदा खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है। तो चलिए पूरी अपडेट आप लोगों को बता देता हूं कि हार्दिक पांड्या को लेकर क्या आई है। आपको पता है वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद से हार्दिक पांड्या मैदान पर नहीं आए हैं, ये भी आप लोगों को पता है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले गए, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या मैदान पर वापसी कब करेंगे, हार्दिक पांड्या मैदान पर कब आएंगे, उनकी चोट का स्टेटस कैसा है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। चलिए हार्दिक पांड्या की चोट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट यह है कि हार्दिक पांड्या की चोट में इतना वक्त लगेगा कि वो ना आईपीएल खेल पाएंगे, ना टी20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, दोनों से बाहर हो जाएंगे। मुंबई को भी झटका लगेगा और टीम इंडिया को भी झटका लगने वाला है। खबर यह है कि हार्दिक पांड्या के फिटनेस में अभी 6 महीने और लगेंगे। 6 महीने बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर वापसी करेंगे। जो अभी ताजा अपडेट है वो ये है कि हार्दिक पांड्या की चोट में उतना असर नहीं है, उतना मतलब असर नहीं हुआ है, उतने वो ठीक नहीं हुए हैं कि वो मैदान पर आ सके। इसीलिए हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट अब खोजा जा रहा है। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया था, तो अगर ये रिपोर्ट जैसी आई है कि हार्दिक पांड्या 6 महीने बाद आएंगे मैदान पर, तो जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका है। क्योंकि हार्दिक के बाहर जाने के बाद अगर हार्दिक नहीं खेलेंगे तो भाई साहब ये भी मुंबई के लिए टेंशन है, क्योंकि मुंबई के पास ऑलराउंडर कोई बचेगा नहीं, उन्होंने कैमरून ग्रीन को तो निकाल दिया। तो ऐसे में हार्दिक का रिप्लेसमेंट कौन होगा ये तो मुंबई को भी नहीं पता है, क्योंकि मुंबई ने तो हार्दिक के ऊपर बड़ा दाव खेल दिया। अब हार्दिक पहले तो आईपीएल में बाहर हो जाएंगे, मुंबई को झटका लगेगा, उसके बाद में टीम इंडिया से भी बाहर होंगे, क्योंकि फिर टी20 विश्व कप खेला जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाह रही है, क्योंकि टीम इंडिया को पता है हार्दिक पांड्या की चोट का स्टेटस क्या है। इसीलिए टीम इंडिया हार्दिक का कप्तानी के तौर पर रिप्लेसमेंट रोहित शर्मा को मान रही है और रोहित शर्मा को कप्तान बनाने के लिए समझा रही है, क्योंकि टीम को पता है हार्दिक धोखा देने वाले हैं, हार्दिक की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, टीम इंडिया को पता है, इसलिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा अपडेट आया है कि पहले तो आईपीएल से बाहर होंगे हार्दिक पांड्या और उसके बाद में टीम इंडिया से भी बाहर होंगे विश्व कप 2024 में। अब खबर ये कि हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन आएगा, तो रास्ता साफ हो चुका है। रिंकू सिंह को मौका दिया जाने वाला है, वो स्पिन गेंदबाजी के ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी के तौर पर फिनिशिंग के तौर पर अच्छे बल्लेबाज है। तो ये अभी तक का जो प्लान है, धोनी के चेले हैं रिंकू सिंह, तो अभी तक का जो प्लान है, जो खबर सामने आई वो यही है कि रिंकू सिंह को मौका दिया जाएगा, हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर रिंकू को खिलाया जाएगा और रिंकू सिंह टीम इंडिया में आने वाले हैं। रास्ता साफ हो चुका है हार्दिक पांड्या की जो अभी फिटनेस अपडेट आई है उसको देखते हुए। तो आपका क्या मानना है हार्दिक पांड्या की चोट, क्या आपको लगता है कि वास्तव में मुंबई के ऊपर बड़ा झटका है और टीम इंडिया के लिए भी बड़ा झटका है, और हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पर अब कौन आना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट इस तरीके के सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।